ग्रामीणों ने बीएसए का घेराव एसडीएम और पुलिस आने पर छोड़ा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र के मेहंदीपुर गांव में आज उस समय हड़कंप मच गया जब बेसिक शिक्षा अधिकारी अपनी टीम के साथ स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने गाड़ी रोककर बीएसए को रोका और बीएसए को बंधक बनाया। ग्रामीण जिला अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े थे। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और ग्रामीणों को पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया, जिस पर हंगामा कर रहे लोग शांत हुए। मुरादाबाद जनपद के भोजपुर क्षेत्र के मेहंदीपुर गांव में बीते एक दिन पहले स्कूल में खेल रहे बच्चों के ऊपर स्कूल का छज्जा गिर गया, जिसमें दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां एक बच्चे की मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी भी घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ आज मेहंदीपुर गांव पहुंचे तो आक्रोशित ग्रामीणों ने बीएसए का घेराव कर लिया और बीएसए को बंधक बना लिया। ग्रामीणों की मांग थी कि जब तक जिला अधिकारी मौके पर नहीं आएंगे तब तक हम लोग तीनों का घेराव ही करे रहेंगे, जिसकी जानकारी मुरादाबाद जनपद के अधिकारियों को हुई तो आनन फानन में आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मेहंदीपुर गांव पर पहुंच गए। भारी पुलिस बल और एसडीएम मुरादाबाद ने ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए। क्या नाम है आपका? धन्यवाद सर। क्या घटना हुई थी? घटना ये होती है कि मेरे जो भतीजा था, 13 साल का भतीजा था मेरा, जी जी, वो जो है वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है गाँव सरकारी, उसको खेलने के लिए गया था और सारे बच्चे थे काफ़ी, लेकिन जो उसका जंगला होता है जिसमें लगा होता है प्राथमिक विद्यालय, वो उसके ऊपर गिर गया, उसकी मौत हो गई। उसके साथ एक बच्चा और था, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, जो यहाँ जाँच के लिए आए थे अधिकारी, बताया जा रहा उन्हें पीटा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं पीटा किसी को नहीं है, वो तो साफ आपके सामने है सब कुछ सामने। बस अभी जो है आज कल घटना हुई, तो आज गाड़ी रोकी थी, छजला गिरने से बच्चे की मौत हुई थी। कितनी देर बाद में अधिकारी और पुलिस आई थी? लगभग 2 घंटे बाद, क्योंकि जब उसको मैं वहाँ यहाँ से हॉस्पिटल ले गया था और फिर जब उसको एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद जब इन्फॉर्म किया तो पुलिस आई थी। अब क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने जो बच्चे की मृत्यु हुई? नहीं दिया है, मतलब जो भी इसमें वो है स्कूल के मरम्मत या कुछ भी हो उसको उचित मतलब वो लिया जाएगा। अच्छा, बच्चे की मृत्यु हो गई है, आप सरकार से कोई मुआवजे की बात रखना चाहेंगे? हाँ, वो बात हुई है, से जो भी है जो भी बोल रही थी अगर जो भी आता होगा वो मिलेगा। ठीक, पूरा मामला था, क्या घटना हुई आपके साथ? हमें ये पता लगा था कि कल शाम 5:30 बजे प्राथमिक विद्यालय मेदिनीपुर में गांव के बच्चे खेल रहे थे, तो वहीं से हादसे का शिकार हो गए थे दो बच्चे, तो एक बच्चा ख़त्म हो गया था और एक घायल था। तो उसी सिलसिले में आज सुबह मैं प्राथमिक विद्यालय मेदिनीपुर आया था सहानुभूति दिखाने के लिए, वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए। तो वहाँ पर मेरे साथ खंड शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह गंगवार जी और प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सर्वेश शर्मा जी और जूनियर के रविंद्र कार जी साथ में ही थे। तो वहाँ पर थोड़ा गांव वालों में आक्रोश आ गया था, वो जिला अधिकारी महोदय से बात करना चाहते थे, इसीलिए उनको वहाँ पर रोक लिया कि जब तक आप आए, जिला अधिकारी महोदय नहीं आएंगे हम जाने नहीं। तो इसी के क्रम में एसडीएम सदर साहब और कोतवाल साहब आए थे वहाँ पर, सारी बातें हुई और जो भी मदद होगी वो प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सर, उन लोगों ने आपके साथ अभद्रता भी किया बताया जाए? नहीं, अभद्रता तो नहीं कि अब थोड़ा ऐसे में आक्रोश होना स्वाभाविक है, तो मैंने भी उनसे शांति बनाए रखने की अपील की और कहा जो भी हमसे मदद हो पाएगी वो हम करेंगे। ठीक है।